आप सर्च में चैनल का नाम लिखें ट्रेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स आ सकें। जा रहे हैं अभी सेहवान शरीफ की जाने दरबार में और यहाँ पे कुछ अक्सर मन्नत मानी जाती है और देख सकते हैं कि आगे जो है नंगे पाँव होंगे और मज़ार की तरफ रवा दवा है चादर हाथ पे लिए। मौजूद है सेवन शरीफ में और यहाँ पे जो है सेवन के मेले की तैयारी शुरू हो गई है और यहाँ पे रंगो रोगन करना शुरू कर दिया गया है दरबार में और मज़ीद अब देखते हैं कि रंगो रोगन हो रहा है, अंदर भी सफाई सफाई का काम जारी है। ज़ायरीन का आने का यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे ज़ायरीन मुसलसल यहाँ पे आ रहे हैं, शाम के बाद में रश बढ़ जाता है लेकिन जब मेला होता है तो मेले में इतना रश होता है कि यहाँ पे पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है। तीन साल के बाद ये मेला इस बार मनाया जाएगा और सारे ज़ायरीन जो है वो बड़े पुरजोश हैं कि इस बार जो है वो भरपूर तरीके से मेला मनाएंगे और इस वक्त मेले की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से जारी है। आप देख सकते हैं कलर वगैरह का काम चल रहा है और अंदर आते पे भी मुख्तलिफ झंडियाँ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मदार की जो मेन गुंबद है उसको भी साफ करने का, ऊपर से जो साफ करते हैं जो रोजे के साथ यानी उनके मदार को साफ करते हैं उसका सिलसिला जो है शुरू हो गया है। तो मेले से कम ही यहाँ पर मेले की तैयारियाँ जो है वो शुरू। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं सेहवान शरीफ और दरबार के अंदर और अब हम जा रहे हैं मस्जिद आगे अपने सब दोस्तों के साथ दरबार साइड पे। दरबार में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको कोई बैगेज अलाउ नहीं होता और आपको जूते चप्पले उतार के अंदर आना पड़ता है। जो भी आपका सामान होगा बैग्स वगैरह वो आप कहीं रखवा के आएँगे और आप देख सकते हैं सब हमारे दोस्त आ चुके हैं सेहवान शरीफ के दरबार के अंदर। आ जाओ चले,
जी साहब, हम दोस्तों हमारे सामने मौजूद हैं एस जमीलियन कंपनी के डायरेक्टर और मोहसिन भाई मेरे साथ हैं और बाकी बहुत से फ्रेंड्स। मोहसिन भाई, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? देखें, ये हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर की मज़ार का मेन अहाता है और इस जगह पर आकर जो है वो हाज़री देनी है, क्योंकि अल्लाह के एक बहुत बड़े जो है वो वली हैं और बुज़ुर्ग हैं, इनके दरबार में लाखों लोग आते हैं, हाज़री देते हैं। ये मेन आता है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोग हाज़री देने के बाद क़याम पज़ीर होते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, मतलब बैठते हैं ताकि सुकून उनको मिल सके। और दूसरी बात ये कि अब हम थोड़ा सा आते के अंदर की जानिब जाएंगे, जहाँ पर मेन जो आपके जो 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 आपकी जो मज़ार है उसके मेन आते के पास जा रहे हैं। भाई चलिए हमारे साथ। चलो, मैं मज़ार में आए हैं, दरवाजे क्रॉस कर चुके हैं और अब हम मज़ार के तकरीबन अंदर आ चुके हैं। मज़ार के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं दरवाजे से, आखिरी दरवाजे से, और यहाँ पे ज़ायरीन का बहुत बड़ा हजूम है, पाया जाता है। आए हैं बाज़ार के एक और आते में, यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़ायरीन का रश है और वक्तन फ़ौक्तन जो है यहाँ पे ज़ायरीन आ रहे हैं। चादर चढ़ाने के लिए और आ रहे हैं यहाँ पे, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। और आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये बाहरी रास्ता है, यहाँ से बाहर वापसी का गेट ऊपर लिखा हुआ है, एंट्री वहाँ से थी और यहाँ से वापसी का रास्ता है। तो अब हम चलते हैं दोबारा अंदर की जानिब। तो हम चलते हैं वापस बाहर की जानिब। ये हम वापस बाहर आ गए हैं। चले जी, आ जाए,
यहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे हो। नहीं नहीं यार, ऊपर क्यों जा रहा हूँ?